जब तक लोग अपने को नहीं खोते हैं इसका एहसास नहीं होता है। आज मुझे एहसास है, तो लापरवाही इसमें नहीं करें, इसको हल्के में या मजाक में मत ले। मैं भी जो भी कहा उन्होंने अच्छा ही गया, अच्छा ही गया, हमेशा से उनके साथ ही रहे। बता रहे ये ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी है दिल्ली में, कहीं पे भी ऑल ओवर दिल्ली देखा जाए बेड्स तो है ही नहीं बिल्कुल। पूरे हिंदुस्तान में जो खसारा हुआ है उनके जाने से, चूँकि एक चमकता हुआ जो सितारा था वो डूब गया। आदाब सलाम, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया में शाहिद कामरान। अभी हमारी टीम मौजूद है मधुबनी जिला अंतर्गत रहिका प्रखंड के चंदसेरपुर गांव में मरहूम डॉक्टर मुफ्ती एजाज अरशद कासमी साहब के रिहाइश गाह पर। हम मिलते हैं यहाँ इनके वालिद मोहतरम भाई और बच्चों के अलावा इनके घर के मेम्बरान से, और जानते हैं कि दिल्ली में दरपेश हादसा कैसे हुआ और फिर आखिर उनकी मौत कैसे हुई। क्या नाम है आपका? निसार अहमद। निसार अहमद साहब, आप ये बताएं कि मुफ्ती साहब मरहूम के आप कौन लगते हैं रिश्ते में? ये हमारे बड़े भाई हुए हैं। आप बड़े भाई हुए जी। क्या ये कैसे हादसा हुआ? हम लोगों ने सोशल मीडिया पे जाना के और सुना, जो नहायत दर्दनाक और अफसोसनाक रहा है, और हिंदुस्तान बिहार ही नहीं, हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के गोशे गोशे से लोग अफसोस और इजहार ताजियत कर रहे हैं। आप ये बताएं कि जैसा कि हम लोगों ने सुना सोशल मीडिया पर कि उनकी मौत उनकी रिपोर्ट जो है कोरोना पॉजिटिव थी, और उन्हें इलाज के दौरान ऑक्सीजन गैस दस्तियाब नहीं कराया गया या सही से नहीं मिला, क्या जानकारी है आप बताएं इसके बारे में? ऑक्सीजन की कमी तो कुछ ना कुछ हुई है, जो हालात थे जिस हिसाब से वो रिकवरी कर रहे थे तो हम लोगों को उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का हो सकता है हादसा। लेकिन फिर भी हम लोगों ने इरादा किया कि हॉस्पिटल चेंज करने की बात आई, फिर वहाँ से दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना था, बात हुई। बहरहाल वहाँ जाने के बाद भी बेड की कमी हो या ऑक्सीजन की कमी हो, नहीं हो सका। फिर दोबारा हम लोगों ने पवन हॉस्पिटल फरीदाबाद में है वहीं इन लोगों ने लेकर के आए, और आने के बाद ठीक थी, सिर्फ बात करने में प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि बॉडी वगैरह उनका जो भी है इम्यूनिटी मतलब बिल्कुल ठीक थी। जैसे तो हम लोगों ने इन लोगों जो थे वहाँ पे अंदर शिफ्ट किए और आईसीयू में सब कुछ जो देने के ऑक्सीजन वगैरह लगने के बाद जब ही बाहर किए हैं, ये दो घंटा के बाद ही मतलब कह रहे हैं। अब इसका क्या हो सकता है? ऑक्सीजन न मिलने के कारण ही ये चीज़ हो सकती है जी जी, और कहीं ना कहीं तो लापरवाही हुई है जी। अचानक बीमार हुए थे, कितने तारीख को? 15 या 16 तारीख को बीमार होते हैं, 17 को एक्सपायर करते हैं जी। कल उनकी मिट्टी होती है, लाया जाता है यहाँ अबाई गाँव चंदसेनपुर में, यहाँ मिट्टी हो जाती है। आपको नहीं लग रहा है कि इस पर अगर सही देख रहे, अगर दिल्ली में जहाँ वो थे दिल्ली के अंदर में, अगर वहाँ के गवर्नमेंट का अगर सही देख रहे, सही अगर ये होता हॉस्पिटल में जो सहूलियात है अगर वो होता, अगर तो नहीं लगता है कि इस तरह के हादसा पेश आते? नहीं है, दिल्ली का हालात ऐसा बने हुए हैं कि बाहर में जब जो जाते हैं ना बेड पे, ऐसे लोग नंबर में पड़े हुए हैं कि ऑक्सीजन के बगैर ट्रीटमेंट। इसके गवर्नमेंट बड़े बड़े दावा तो कर रही है लेकिन वो उसका दावा बिल्कुल बेकार है, हालात बद से बदतर है। निशा साहब, आप ये बताएं कि आप बड़े भाई थे मुफ्ती साहब के, लेकिन जहाँ तक हम लोग जानते हैं कम उम्र में अल्लाह ने उनको जो इज्जत शोहरत दिया बहुत कम लोगों को मैसर हो सकता है, इस पर आप क्या? बस मैं चंदसेन पुलिस लिए आया आपके घर पे ताकि उनके जानने वाले पूरी दुनिया के गोशे गोशे में वो जानना चाहेंगे, वो जानना चाहते हैं किस गांव के रहने वाले थे, उनके भाई कौन हैं, कैसे उन्होंने पढ़ाई लिखाई किया, इतनी तरक्की कैसे किया उन्होंने, अल्लाह ने जल्दी बुला भी लिया उनको, तो बताएं इसके बारे में। उन्होंने दारुल उलूम देवबंद से ही अपनी तालीम हासिल की,
वहाँ से उन्होंने मुफ्ती का कोर्स किया। उसके बाद काफ़ी दिनों तक दारुल उलूम देवबंद में भी मीडिया के इस पे रहे। फिर जेएनयू से उन्होंने पीएचडी भी किया, जवाहरलाल नेहरू मिथिला दिल्ली यूनिवर्सिटी से। और हमेशा लोगों के साथ जुड़े रहे, दिल्ली वक्फ बोर्ड के में भी खिदमत किया उन्होंने, उस वहाँ भी 5 साल रहे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ में भी अपनी ज़िंदगी वक्फ की हुई थी, उसके भी मेंबर थे। और हर सोशल काम में, हर इस तरह के, हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहते थे। बहुत नीचे से स्ट्रगल करके उन्होंने अपनी यहाँ तक की लाइफ को लाया था। आप ये बताएं कि एज ए इस्लामिक स्कॉलर होने के नाते कई बार उन्होंने मजहब इस्लाम के लिए लड़ाई भी लड़ा है, लड़ने का काम किया है। बिल्कुल लड़ाई लड़ा। आपको कैसा महसूस होता है? लोग कई तरह की बात कर सकते हैं, लेकिन आपको कैसा महसूस होता है कि मेरा भाई या मेरे घर का एक औलाद ने, इस गांव का, चंदसरपुर का एक बाशिंदा ने इस्लाम के खातिर अपनी आवाज़ उठाकर पूरी दुनिया में नाम किया, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी आज जैसे नुकसान जो है जिसकी पूर्ति तो हो नहीं सकती है। और जितना कुछ हमारे परिवार, हमने खोया है, अपने भाई को खोया है, इसका दर्द तो हम ही जान सकते हैं। बाकी उन्होंने इस्लाम के लिए या उसके, अभी ट्रिपल तलाक पर जो मामला आया था तो उस पर भी उन्होंने काफ़ी मजबूती से लड़ाई लड़ा था, भले उसके लिए जैसी भी बात उठानी गई हो, लड़ा था उन्होंने। बिल्कुल मजबूती से लड़ाई लड़े भी, इसके लिए उन्होंने कुर्बानी भी दी, इनके लिए उनको मतलब जैसे कस्टडी भी किया गया, सब कुछ किए, हमेशा संघर्ष करते थे, कहीं पे वो पीछे नहीं हटते थे, चाहे बड़ा से बड़ा मामला हो, इस्लाम के लिए वो हमेशा संघर्ष करते थे। अच्छा, उनके पास कितने बच्चे हैं? 2 लड़की, एक लड़का। लड़के बाबू, क्या नाम है आपका? तारिक। तारिक, आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं आप? दिल्ली में स्टूडेंट हूँ। दिल्ली में ही थे आप, क्या करते हैं? स्टूडेंट, प्लस टू में कर रहे हैं आप। आपका कितने भाई बहन हैं? मैं 2 छोटी बहन। इसमें कोई शक की बात नहीं कि आपके वालिद मोहतरम का इंतकाल का गम है, जो आपको ही नहीं हम सभी लोगों को इसका गम है, चंदसरपुर वालों को गम है, उनके मिलने जुलने वालों को गम है, लेकिन मौत तो आनी है, इस पर किसी की तो दावेदारी भी नहीं है कि मौत को रोका जा सकता है। आप बताएं बाबू कि आपको अपने वालिद मोहतरम पर कितना काफ़ी प्राउड था मुझे अपने फादर पर, है भी, जो भी किया उन्होंने अच्छा ही किया, अच्छा ही किया, हमेशा से उनके साथ ही रहे हम लोग, देखा भी है क्या कैसे उन्होंने क्या काम करा, क्या कर रहे हैं सब कुछ, तो कभी भी ऐसा कुछ हुआ नहीं, जो भी हमेशा प्राउड ही फील किया और आगे भी करते रहेंगे। अच्छा, वो जो बीमार हुए थे तो बीमार में मतलब ऐसा बीमार, इस तरह से बीमार लग रहे थे आपको, लग रहा था आपको कि उनका इंतकाल हो जाएगा? नहीं, काफ़ी मजबूत थे, स्टेमिना के मजबूत थे, उनका इम्यूनिटी मजबूत था, फिर अचानक आपको, आप भी साथ थे उनके साथ, गए थे हॉस्पिटल जी, तो आपको क्या लगता है जब आप साथ थे तो आपको कुछ लग रहा होगा ना, कुछ ऐसी क्या कमी आई होगी या फिर ऐसी कौन सी कमी आ गई कि अचानक उनका जो है सांस हो क्या रहा था उनको? नहीं, लो ब्रीथिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, ब्रीथिंग में थोड़ी प्रॉब्लम, मतलब सांस लेने में, ब्रीथिंग में। अच्छा, ये प्रॉब्लम के कितने घंटे के बाद इनका इंतकाल हो जाता है? रात को पता चला था, रात को पता चला था। कहाँ, किस जगह ले गए थे, वहाँ दिल्ली के किस हॉस्पिटल में ले गए थे पहले? पहले तो उनका नॉर्मल प्राइवेट हॉस्पिटल में चेकअप हुआ था जी जी, उसके बाद डायरेक्ट पवन में ही ले गए थे, पवन हॉस्पिटल में। अच्छा, पवन में ही इनका ये हुआ है, इंतकाल हुआ है। पवन कहाँ है? पवन हॉस्पिटल दिल्ली में नहीं है, वो फरीदाबाद में। है उसके 2 यूनिट्स हैं, तो पहले वाले यूनिट में जनरल वार्ड में थे,
तो जब वहाँ हालात नासाज हुई तो फिर यूनिट 2 में आईसीयू में एडमिट हुआ था। आप भी थे ना, आप क्या नाम है आपका? खालिद मोहम्मद। तो आप भी साथ थे जी, आपसे बात भी हुई थी हमारी। जी, जी, आप बताएं कि आप तो शुरू से हैं आखिर तक है, क्या मरहला पेश आया था? एक्चुअली उनकी तबीयत घर से ही बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी, जैसे कुछ ज़्यादा ही उनको सांस लेने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज हो रही थी। तो हम अचानक से घर पे गए थे, फिर उनको ले गए हम पहले, सबसे पहले हॉस्पिटल की तरफ रश किया। तो सबसे पहले हम गए थे इधर नॉर्मल किसी भी नियर बाई प्राइवेट हॉस्पिटल में, कोविड टेस्ट वगैरह हो नहीं रहा था ना कोई देख रहा था जल्दी। तो हम सबसे पहले लेके गए थे फिर आरोग्य हॉस्पिटल है वैशाली में, वहाँ लेके गए, वहाँ पे इनको एडमिट किया पहले वहाँ पे इमरजेंसी में। तो डॉक्टरों ने कहा, उन्हें बताया नहीं था कि कुछ ऐसे सिम्टम्स है, पर डॉक्टरों ने कहा कोविड टेस्ट क्लिक करना है। तो कोविड टेस्ट जब किया वहाँ पे तो कोविड निकला पॉजिटिव। उसके बाद हम एक दो जगह हॉस्पिटल के लिए भागे भी एम्बुलेंस में ले लेके, ऑक्सीजन वाले बिना ऑक्सीजन लेवल के उनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज हो रही थी ब्रीथ करने में भी, सांस भी नहीं लिया जा रहा था उनसे ठीक से। फिर वहाँ से हम सीधा लेके गए पवन हॉस्पिटल फरीदाबाद। पहले दिन इनकी रिकवरी काफ़ी अच्छी रही, जब ये आईसीयू उसमें थे जनरल वार्ड में थे, ऑक्सीजन लेवल चल रहा था इनका, पहले तो काफ़ी डाउन हो चुका था, धीरे धीरे इंक्रीज़ कर रहा था काफ़ी अच्छे। एक दिन में ही काफ़ी अच्छा रिजल्ट था जब वो कुछ खा नहीं रहे थे और नेक्स्ट डे खाना पीना भी शुरू कर दिया था। बट अचानक से जब उनकी तबीयत धीरे धीरे शाम होते होते और बिगड़ने लगी तो दूसरे यूनिट में उनको शिफ्ट करना पड़ा, क्योंकि इस यूनिट में वेंटिलेटर्स वगैरह नहीं थे तो उनको आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा जहाँ वेंटिलेटर वगैरह हो। तो वही जैसे ही हमने दूसरे यूनिट में शिफ्ट किया नेक्स्ट डे 10 बजे करीब, तो अचानक सुबह 9 बजे शिफ्ट कर चुके थे ये, और 10:30 बजे करीब बता रहे कि हादसा हो चुका था, हमारे मामू का इंतकाल हो गया था 10:40 के करीब। मतलब ये माना जाए अचानक कोविड की वजह से इस तरह का मामला पेश आया है, कोविड को ही माना जाएगा, कोविड था रिपोर्ट में, कोविड था रिपोर्ट में। ऑक्सीजन के बारे में बता रहे हैं, ये ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी है दिल्ली में, कहीं पे भी ऑल ओवर दिल्ली देखा जाए बेड्स तो है ही नहीं बिल्कुल भी, ना कोई हॉस्पिटल देख रहा किसी को भी, आदमी चाहे जिंदा हो मर रहा हो कोई किसी को देखने वाला नहीं इस टाइम पे, ना कोई हॉस्पिटल किसी को देखने जा रहा है। ऑक्सीजन की बात है तो ऑक्सीजन पूरे दिल्ली में ऑक्सीजन की भी कमी है इस टाइम पे, गैस सिलेंडर्स की कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ मोहम्मद तौफीक। तौफीक जी, अब बताए तौफीक भाई, मुफ्ती साहब का इंतकाल हो गया, आप उनके बारे में क्या जानते हैं, कैसे थे वो? मैं उनके बारे में बहुत करीब से इसलिए जानता हूँ कि मैं दिल्ली में नबी करीम में मेरा होटल है, वहीं रहता था। इनमें ख़ूबी ये थी, कोई जात पात नहीं, जैसे हॉस्पिटल का काम हो, किसी को टीचर में पढ़ाई लिखाई का भी हो, कोई दाखिला का काम हो, थाना पुलिस का हो, वो ये नहीं देखते थे समय क्या हो रहा, रात या दिन हो, हम लोग प्रतिदिन को फ़ोन करते थे और काम हो जाता था, हर अच्छे बुरे वक्त में काम आते थे। ये उम्मीद नहीं थी इतनी जल्दी वो चले जाएंगे दुनिया से, बहुत अफसोस है, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। मधुबनी जिला के लोगों को, मधुबनी जिला समेत पूरे बिहार हिंदुस्तान के लोगों को एक पैगाम दें कि अभी कोरोना वायरस का सेकेंड फेज चल रहा है, इस लहर में इंसान क्या करे, कुछ लोग मानने को तैयार नहीं है, लोग मास्क नहीं लगाते हैं, लोग खुलेआम घूमते हैं, कहते हैं बीमारी नहीं है, मौत होना होगा तो हो जाएगा, मौत नहीं होगी, लेकिन मौत कैसी दर्दनाक होती है, कैसे होती है, इस पर आप कुछ पैगाम दें यहाँ के लोगों को, ताकि लोगों के दिलो दिमाग में इस बात का असर हो और वो सरकारी जो गाइडलाइंस है, चाहे वो मास्क लगाना हो, हाथ धोना हो, या दूरी मेंटेन करना हो, वो उसको मेंटेन करें। जब तक लोग अपने को नहीं खोते हैं इसका एहसास नहीं होता है। आज मुझे एहसास है कि इसका क्या दर्द है, क्या तकलीफ़ होती है। हम तो यही कहना चाहेंगे कि हर कोई सतर्क रहे, जो गाइडलाइन है उसका पालन करें, लोग डिस्टेंस बना के रहें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो अपने को सतर्क रखें, तो लापरवाही इसमें नहीं करें, इसको हल्के में या मजाक में मत ले कोई। शुक्रिया। आप डॉक्टर मुफ्ती एजाज अरशद साहब, जिनका इंतकाल फिलहाल हो गया है, जानकारी के मुताबिक उन्हें उनका कोविड पॉजिटिव था और उनसे मौत हुई है, आप उनके बारे में क्या बता सकते हैं? मुफ्ती एजाज अरशद साहब हमारे साथियों में से थे, बहुत करीबी थे, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर थे वो, उन्होंने बहुत बड़े बड़े हिंदुस्तान में नुमाया काम को अंजाम दिया,
दारुल उलूम देवबंद में वेबसाइट को लॉन्च करने का काम उन्होंने ही किया। ऑनलाइन फतवा का जितना सारा काम था दारुल उलूम देवबंद में, ये सारे को इस्टेब्लिश उन्होंने ही किया। तो पूरे हिंदुस्तान में उनकी नुमाया खिदमत थी। आवाम में कोई गरीब, कोई मजदूर, किसी तबके का लोग अगर पहुंच जाए दिल्ली में किसी तरह के सामाजिक और फलाही मिली काम के लिए, तो वो अपना वक्त, पैसा, सारे खिदमत को लगा देते थे। ऐसे मुजाहिद लोग थे मुफ्ती इजाज़ अरशद क़ासमी। उनके मौत पर आप क्या कहना चाहेंगे? मौत तो बरहक़ है, फिर भी उनकी मौत पर हम क्या कहना चाहेंगे? पूरे मधुबनी ज़िला के अंदर शोक की लहर है। पूरे हिंदुस्तान में जो खसारा हुआ है उनके जाने से, चूँकि एक चमकता हुआ जो सितारा था वो डूब गया हम सबके बीच में, हम अंधेरे में चले गए हैं। जो शख्स जो हमारे बीच से मुफ्ती इजाज़ अरशद चले गए हैं, उनकी कमी हमेशा हमें खलती रहेगी। हमारे चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं। Kindly subscribe to our channel Hindustani Media and press the bell icon for the latest updates.